अब आपका अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इसका हमने सबसे पहले हमने किया था कि मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स, कि हमने मेथड सीखा था कि डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड करते हैं। इसका भी हमने आपको, मैंने एक ही टॉपिक पढ़ाया था कि बाय डेफिनेशन करते हैं या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एबनिशियो, ये तीनों एक ही बातें हैं। ठीक है, सवाल में कुछ भी लिखा आ जाए आपने कंफ्यूज नहीं होना, सब में एक ही चीज़ आपने एक ही स्टेप करने हैं। अगर बाय डेफिनेशन से क्वेश्चन कहते हैं कि करें तो भी यही मेथड अप्लाई करना है, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से कहते हैं तब भी आपने यही करना है, और अगर एबनिशियो मेथड कहते हैं तो तब भी आपने ये स्टेप करने हैं। ठीक है, अब इसका पहला स्टेप क्या है कि लेट आपने वाई को एफ एक्स के बराबर रखना है। जो भी फंक्शन दे दिया जाएगा उसको आपने किसके बराबर रखना है, वाई के इक्वल। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है बेटे कि इसमें इंक्रीमेंट देना है। अगर वाई में इंक्रीमेंट देंगे तो एक्स में भी देंगे, तो वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट आपने इसमें दे दिया है। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये वाई जो है उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएं, अब आप लिखेंगे माइनस वाई। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस वाई की जगह आप पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ताकि क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। सॉल्व तो यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने से ये होगा कि क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, और जब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा तो फिर आपके लिए करना भी आसान हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, डेल्टा एक्स से। ठीक है, दोनों तरफ से इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। लिखें आप डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अगला स्टेप क्या है कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, जो कि किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी एक्स के। अब आपको इसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब जैसे कि हमने किया था, इसके चार स्टेप्स हमने किए थे, अब देखें ये चार स्टेप इस सवाल में, इस एग्जाम्पल में हम कैसे सॉल्व करते हैं। कि अब हम बेटे ले लेते हैं कि वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखने हैं और करना है कि लेट करना है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब आपने इसके क्या करना है, इंक्रीमेंट देना है। जहाँ वाई है वहाँ डेल्टा वाई का इंक्रीमेंट देंगे, जहाँ एक्स है वहाँ डेल्टा एक्स का देंगे। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब प्लस टू x प्लस डेल्टा x प्लस थ्री। सो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब प्लस टू x प्लस डेल्टा x प्लस थ्री, और ब्रैकेट क्लोज, और आगे आप लिख देंगे माइनस y। इस y को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। सो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब प्लस टू x प्लस डेल्टा x प्लस थ्री माइनस, और इधर वाई की वैल्यू डाल दें, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अब आप इसको क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री, यानी कि आपने अलग अलग कर लेना है इसको। ठीक है, अलग अलग कर लेना है, और इसको जो चीज़ें टर्म्स इसकी कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देना है। अब आपके पास जो पहली टर्म है x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब, इधर फार्मूला लगाएं, कौन सा फार्मूला लगेगा, हाँ जी बोलें, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो वो किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। अब वही मैं इधर अप्लाई करूँगी, इधर आपके पास a जो है वो x है और b जो है वो क्या है, डेल्टा x है। तो आप लिखेंगे डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर डेल्टा एक्स प्लस थ्री एक्स डेल्टा एक्स का होल स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, फिर उसके बाद प्लस टू बाहर आ जाएगा, अंदर आप इसको खोलेंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, और ये थ्री माइनस थ्री प्लस इसको कैंसिल हो जाएंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा। अब आपकी पहली वाली टर्म आखिरी वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास पीछे बचेगा बेटे क्या, थ्री एक्स स्क्वेयर डेल्टा एक्स प्लस थ्री एक्स डेल्टा एक्स का होल स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई।
अब अगला स्टेप क्या है बताएं आप लोग मुझे। हाँ जी, इसको अब हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और इसको मैं डेल्टा एक्स से जब डिवाइड करूँगी तो 3x² डेल्टा एक्स सॉल्व होकर 3x² रह जाएगा, प्लस 3x डेल्टा एक्स बचेगा, प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वेयर आ जाएगा, और प्लस 2 ये जो है आपके पास आ जाएगा प्लस 2, क्योंकि डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इधर लिखेंगे लिमिट, और सारा फंक्शन अंदर जो बचा है वो लिख लेंगे। अंदर जो है आपके पास जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ 0 हो जाएगा, आपके पास पीछे क्या बच जाएगा 3x² प्लस 2। अब बेटे बहुत अच्छी तैयारी करनी है, रिवीजन मैंने आपको सारी करवा दी है, बहुत अच्छी तरह मेहनत करें, आपके इन्हीं नंबरों पे आपके दाखले जाने हैं, ठीक है बेटे। ये सेशनल एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और आपने जो है मास्क पहन कर आना है, और सारी जो है वो जितनी भी आपको डायरेक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करना है, और बहुत अच्छा आके आपने पेपर देना है। विश यू बेस्ट लक। ओके, अल्लाह हाफिज़।